हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम? हाँ, कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम लोग? हिंदी? कौन सी? बंगाली। तो यहाँ जो आप नमाज वमाज पढ़वा रहे हो, यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास या कैसे? परमिशन दिखाना भैया जरा। हाँ, साथ में ले रखे हैं, 6 साल से हो गई है नमाज। नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, नोएडा अथॉरिटी को लिख के दिया गया है 6 साल पहले। 6 साल पहले? तो ये जो आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, इसमें से कुछ नोएडा अथॉरिटी को भी जाता है? नोएडा अथॉरिटी को नहीं, ये यहाँ के काम में ही जा रहा है। जो किस काम में? कि चटाइयाँ और बिछाई जाएँ और मंगवाई जाएँ? नहीं, जो लोग जमीन पे पढ़ते हैं, क्योंकि जमीन पे तो गंदगी रहता है ना, कुत्ता वगैरह भी, बहुत तरह की बातें हैं। तो वो जो कुत्ता मुंह देगा तो उसमें कैसे नमाज पढ़ लेगी? नहीं नहीं, तो ये जो चंदा आपके पास आ रहा है, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, अभी पीछे भी एक मस्जिद बनाई थी, वो वहाँ पीछे पेट्रोल पंप के साथ में भी, वो भी दिया भैया साहब। भैया मस्जिद नहीं बना सकते, ना बनाएंगे कभी जिंदगी में, एक ईंट भी नहीं लगा सकते। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अपना नाम बताना। भैया मैं यहाँ 33 साल से हूँ, यहीं पे सब कुछ है मेरा। नहीं, आप अभी तो आप बोल रहे हो बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल के नहीं रहने वाले हम लोग, बंगाल हम लोग जो है बिहार का, किशनगंज का रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल रशीद। अच्छा, और ये आपके जो सहयोगी हैं भाई साहब, सब लोग? आपका क्या नाम भाई साहब? एहसान आलम। हाँ जी, एहसान आलम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, इधर देख के बोलो। किशनगंज के रहने वाले। आप भी? और आप भी भाई साहब, अपना क्या नाम है? नौशाद आलम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? और भाई साहब आप इधर देखना है भाई साहब, दोनों आप, अपना क्या नाम है जी? आरिफिन। हाँ, आरिफिन। और आपका भाई साहब? नौमान नाम है मेरा। आप में से मौलवी कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सारे किशनगढ़ बिहार? तो किशनगढ़ बिहार से यहाँ पर क्या मस्जिद बनवाने आए हो या लोगों को नमाज पढ़ने आए हैं? नहीं, नमाज पढ़ रहा। नहीं तो किशनगंज में क्यों नहीं पढ़ी आपने? और ये धीरे धीरे ऐसे जलसा क्यों कर रहे हो आप? जलसा कहाँ है सर जी? ये मतलब जो भी आप इकट्ठे कर रहे हो लोग बाहर, आओ जी यहाँ नमाज पढ़ो। ये कंपनी एरिया है, फ्राइडे को हमें नमाज। आप कौन सी कंपनी में काम करते हो? एक मिनट, मैं जो आलिम मौलवी रहता है वो काम तरह नमाज। तो आप आपको किसने यहाँ चौधरी बनाया कि आप यहाँ आके नमाज पढ़वाओ और सारे पाप? किसी ने नहीं बनाया। हाँ, आप भी तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? मैं तो मनोज शर्मा हूँ। हाँ, मैं यहीं हूँ। आप मनोज शर्मा यही है, आप किस पोस्ट पे हैं? आप अपना भी तो बताइए। नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ना कि आप नमाज पढ़वा रहे हैं, धीरे धीरे हम नहीं पढ़वा रहे हैं, पब्लिक पढ़ रही है, कुछ कोई ना कुछ। नहीं, कैसे आपको किसी ने परमिशन दी होगी? परमिशन दिखाओ आप। कह रहे हैं कि नोएडा थाने में क्या परमिशन है कि नमाज पढ़ाएं? थाने शुक्रवार के शुक्रवार पढ़वाते हो या रोज पढ़वाते हो? शुक्रवार को। हैं, अब धीरे धीरे करके आप यहाँ मस्जिद बनवा दो। कीजिए तो हमने क्यों मनाऊंगा भाई? हैं, मस्जिद क्यों मनाऊंगा? हम एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फ्राइडे को हमें बाजमा। कितने साल से आप पढ़ा रहे हो यहाँ नमाज? 6 साल, 2013 से। आपसे नहीं पूछ रहा मैं, है 2013 से। 2013 से यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ नोएडा। सोच लो, पहले सोच लो। हाँ, कहाँ पे? 82 में। 82 में? 82 के वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते आप नमाज? यहाँ क्यों आए थे दूर? जब आप एक सेकंड, एक सेकंड सर जी, आप सर जी, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने के लिए एक आदमी, कोई आदमी नमाज नहीं। आपको यहाँ किसी ने अपॉइंट किया है जी? आपको किसी ने अपॉइंट? अरे एक सेकंड रुको भाई साहब, आपसे बात नहीं कर रहा। जो मौलवी मुफ्ती होगा वो नमाज पढ़ाएगा? ये जब नहीं, जब आप ब्यासी से यहाँ पर नमाज पढ़ने आ रहे हो, आप मौलवी जो मुफ्ती होगा वो नमाज पढ़ाएगा या आप पढ़ाइएगा? बोलिए। नहीं नहीं, तो ब्यासी से यहाँ क्यों आए हो? इनमें से मुफ्ती कोई नहीं है। ठीक है, मुफ्ती का डिग्री पहले पता कर लिएगा। मुफ्ती नहीं, मुफ्ती समझ गया, इमाम साहब हो गए। इमाम साहब नहीं है मुफ्ती, एक मुफ्ती का जो वैल्यू है वो है जज के बराबर। अच्छा, नहीं जज तो नहीं है। मैं जज है, इस्लामिक कानून के हिसाब से। ये आप अगर ये जज हैं तो आपने यहाँ की परमिशन ली है? आप जज हो गए? मैं कह रहा हूँ नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, नोएडा अथॉरिटी का लेटर हम आपको 6 साल पहले का दिखाएंगे। लेकिन 6 साल से आप लगातार पढ़ो यहाँ नमाज, लगातार क्या बात है? सिर्फ फ्राइडे को हो रही है। मुक्ति का मतलब जज कैसे बता रहे हो? जज का मतलब आपको पता क्या होता है? इस्लामिक जज है वो। इस्लाम में जज नहीं है सर, ये बोलो कि आपके ऊपर ना रहे नमाज। मैं कह रहा हूँ कि जो मुफ्ती होते हैं वो इस्लामिक जज है, इस्लामिक कानून का। यहाँ इनको किसने अपॉइंट किया? आपने जैसे मैं आप अपॉइंट किया? सब पब्लिक ने किया है। कौन सी पब्लिक ने? हमने किया सब पब्लिक। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ काम करता हूँ, बी आठ में। आप रहते कहाँ हैं? क्यों रहने से क्या मतलब हुआ जी? आप यहाँ रहते की बात करिए। वर्कर, एक बात, वर्कर नमाज पढ़ने आ जाएगा। आपकी फैक्ट्री में कितने वर्कर है? क्या चीज आपकी फैक्ट्री में कितने वर्कर है? मुस्लिम है? 4 सेक्टरों 10 मुसलमान की जगह 20 आ जाएंगे हिंदू, तो यहाँ मंदिर रोज घंटे बजाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ घंटी, आप हमारे को एक घंटे में कितने घंटे होते हैं, एक हफ्ते में घंटे कितने? मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब आपसे, हमारी बात आप ही का बात का जवाब। अब ऐसे क्या हूँ मैं, वीरवार को और साईं बाबा को मानते हैं तो फिर लोग बाग यहाँ आने लगेंगे, फिर
हमारे जी ये पार्क में जानवर कुत्ता सुअर तो आ सकता है, मुसलमान ने नमाज पढ़ लिया, नहीं नमाज पढ़ ली, नहीं आप वही बात वही कह रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूं परमिशन लूंगा। सुनिए, कुत्ता जानवर सुअर पार्क में आ रहा है, मैं दिखाऊंगा, बहुत आ रहे हैं, अभी भी हैं जानवर सारे घुसरे, चारों दीवार चार दीवार साल से रिपेयर नहीं हुई है, ठीक है। बात फिर आप ही लोग बाद में कहते हो ना कि ऐसी हमारी जगह हमारी हमारी नजर हुई, आज तक नहीं कहा, इसका कौन लिखत मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों जगह मुसलमानों की घर को हमने कब्जा कर रखी है, किसने उसको सरकार हमें हमारे हवाले नहीं कर किशनगंज में नहीं पूरे इंडिया में बता रहा हूँ मैं, किशनगंज आप इंडिया का आपने ठेका ले रखा है, आपने ठेका लिया इंडिया का, मैं तो यहाँ रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी यही रहता हूँ भाई साहब, बिशनपुरा में रहता हूँ, लोकल हूँ, मेरी पैदाइश 33 मैं कह रहा हूँ, मेरी पैदाइश मेरा वोटर लिस्ट सब कुछ यहाँ पे, नहीं वो तो वोटर लिस्ट बन जाते नहीं, वर्कर आधे घंटे के लिए आप अभी क्यों आए, नहीं मैं तो देखा अभी किस भाई आपको जब यहाँ 2000 तो आपने देख रहा हूँ आप जो ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने कहा जी प्राधिकरण का ना क्या रुपए हो रहा है भैया, नहीं वो तो आपका है, हमने थोड़ा ले जाना है, आपको जलन हो रही है, नहीं मुझे नहीं मतलब, पागल है जो किसी को पैसा दे देगा, 1 रुपया 2 रुपए का जमाना है, ये तो आपका माल था जो भी देगा, 1 रुपए 2 रुपए का जमाना हो गया, देखो ना वो तो कोई बात नहीं भाई साहब, एक एक चंदा से जलन हो रही है आपको, मुझे क्यों जलन होगी, आप तो बात ही वैसी कर रही है, आप कह रहे हो कि जी मुझे, सुनिए जब यहाँ 2000 लोग खड़े होते हैं उस टाइम आके कोई बात करिए, और मैं आ जाऊंगा बताओ क्या बात है, अगले बताओ कौन से कितने टाइम कितने बजे होती है नमाज, 1 बजे होती है, 1 बजे आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, 1 बजे से लेकर 1:30 आप रहते कहाँ, ये तो ब्यासी में रहते हैं आप, नहीं, रहते नहीं, मैं भी मैं सारी नवेड़ा में रहता हूँ, यही बिशनपुरा रहता हूँ, मैं बिशनपुरा में कहाँ रहते हैं आप बताएं, बिशनपुरा में मैं यही इधर रूम ले रखा है, मेरा अपना रेजिडेंस भी है, नहीं नहीं अपना रूम है या रूम ले रखा है बताओ, ये तो यहाँ पे तो रेंट पे है, रेंट पे रहते हो, किसके यहाँ रहते हैं आप रेंट, अरे साहब उसका नाम नहीं जानते, उसके वो जो नहीं आप रेंट पे रहते हैं तो बताइए ना, मैं भी वहीं रहता हूँ, आप चलो मेरे साथ गाड़ी में बताओ कहाँ रहते हो आप, तो आपने घर में नमाज पढ़ो, सुनिए घर में नमाज पढ़ने की बात, आपको फिर? तो आपको तो दो पैसे का भाई साहब तहजीब नहीं है, आप जो बात मैं? हाँ। मुझे तबीज बहुत है भैया, बताओ ना घर पे नमाज पढ़ो आप, अरे जुमे की नमाज सुनिए, जुमे की नमाज तो मस्जिद में कभी जाते हैं, मस्जिद में जाइए ना भैया साहब, आप हमें मस्जिद दे दो ना बना के, मस्जिद सेक्टर 8 में है, ये 8 में कैसे जाएंगे, आपकी कंपनी कौन सी है, सुनिए मेरी बात सुनो, आप बताइए पहले सुनो, मस्जिद आप कह रहे हो कि मस्जिद दे दो, सेक्टर 8 में दे रखी है, इतनी बड़ी मस्जिद कोड़ा कॉलोनी में दे रखी है, नहीं सरकार ने तो दे रखी है, दे रखे हो, नहीं सरकार ने दे रखे, मांग नहीं पड़ रही है, सरकार ने भी नहीं दिया, आपने अपने आप बनाई है, आपने दे रखा मुझे, आपने अपने आप बनाई है, हमारे बंदों ने प्लॉट दिया उस पर नमाज हो रही है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते आप, कमाल वाला बात है, आपकी कंपनी से आधे घंटे का लंच होता है, ध्यान दीजिए सर, ठीक है, आधे घंटे में खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़ना है, सेक्टर 8 से वापस आ जाएगा कोई, नहीं आप अब कितने बजे होती है आपकी नमाज, मैं कह रहा हूँ हमारा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम है, आप कह रहे हो आधे घंटे का लंच होता है, तो लंच करोगे कब आप बताओ, मैं वर्करों की बात कर रहा हूँ, अच्छा वर्कर जो आते हैं उनको आधे घंटे का जो लंच होता है उसी आधे घंटे में नमाज भी पढ़ना होता है और खाना भी खाना होता है, वापस कंपनी में घुसना होता है, अच्छा आप हमारी जगह अगर आप उनको सहूलियत दे रहे हैं कि आप यहाँ पर पार्क में पढ़वाने के लिए सहूलियत दे रहे हैं, हम सहूलियत दे रहे हैं, कल पब्लिकों ने सब पब्लिकों को सहूलियत मिलेगी तभी तो, अब जब यहाँ पर 1000 आदमियों की संख्या हो जाएगी, कल को आप कहोगे जी हम तो यही मस्जिद बनाएंगे तो उसका कौन अदा, बिल्कुल नहीं, आप तो क्या प्रशासन इतना ढीला है, क्या प्रशासन ढीला ही है, ये पीछे पीछे चौड़ा गाँव वालों की शामा डेयरी वालों के बड़े बूढ़े दबाए गए, अब उन्होंने लिख दी उस पे कि गरीब नवाजा की कोई वो दरगाह, हाँ। और जबकि मरा आदमी है चोड़ा गांव का शामा डेयरी वालों का, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब, बारे में हम नहीं जानते, दरगाह सुनिए आप मैटर अलग है, मोहम्मद साहब अपना क्या नाम बताया, एक सेकंड मोहम्मद जी आप एक थामा आप रहने वाले किशनगंज बिहार के हैं, यहाँ पर आप किराए पे रहते हैं, 33 साल से नवेड़ा में है, 33 साल में अपना घर भी है, किराए पे भी रहते हैं, पर दोनों है? अभी तो आपने बोला मैं बिशनपुरा में किराए पे रहता हूँ, हाँ, बताऊंगा दिखाऊंगा आपको, अपना घर कहाँ है, अपना घर 82 मेरा भी है, आपका भी 82 में, तो 82 से आप यहाँ वर्क काम करते हो, काम करता हूं। तो आप वहाँ बनवाओ अपने घर के नीचे बनवाओ, नहीं, गलत या आप अपने 10 आदमी को वहीं इकट्ठा कर लो, आप गलत बात कर रहे हो, सलारपुर में रहते हो आप, सिर्फ इस पार्क में नहीं, 82 में 82 क्यों होती है, ये तो पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, होती है तो ये शासन प्रशासन हमें जगह दे देना, पब्लिक की जरूरत है उसलिए हो रही, क्यों पब्लिक की जरूरत है, आपके घरों में नहीं है, अब ऐसे तो हिंदू कल को बोलने लगे कि हमें हर जगह पे पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कहाँ कब्जा, चारों जगह कब्जा, कब्जा तो आपने भी कर रखा है, अरे आपने भी कब्जा बहुत कर रखा है, कब्जे की बात मत करो आप, हमने अगर कब्जा कर रहा है तो हमारा कब्जा छुटा लो, हम ये कह रहे हैं आप कब्जा, आप तो यहीं की जो पार्क है, जो आदमी फैक्ट्री वाला यहाँ आके थोड़ा सा घूम फिर ले, आप लोगों ने दुनिया भर की क्या बात करो, ये 6 बीघे की पार्क है, ये आप देखो पार्क, सुनिए ये पीछे पीछे फैक्ट्री के ये आदमी है जो यहाँ पर अपने लंच टाइम में घूमने आ रहे हैं, और आपने पूरी है देखो यहाँ से वहाँ तक सारे लपेट गई, अच्छा ठीक है कहाँ लपेट लिए, सुनो मेरी बात देखो ना, ये ठीक है जी, कितने घंटे का हफ्ता होता है, अरे भाई साहब हफ्ते की बात नहीं, घंटे बताना कितने हो रही,
अरे हफ्ते की कैलकुलेशन छोड़ो, आप उतना पढ़ा लिखा नहीं हो, मैं बता दूंगा हफ्ते का एक घंटा कितने का होता है, वो छोड़ो आप। एक हफ्ते में अगर आप घंटे का लगाओगे तो 7 घंटे हुए, उसमें क्या टेंशन है? एक हफ्ते का 7 घंटा नहीं, वो 7 दिन। अरे आप नहीं नहीं आप घंटे के हिसाब से बता रहा हूँ, 24 घंटे का हफ्ते के, आप हफ्ते के अंदर बोल रहे हो कि एक घंटे की नमाज होती है, तो हफ्ते की कितनी हुई? 7 घंटे हुई। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, जब मस्जिदें दे रखी हैं कहीं नहीं दे रखी आज है। आपने ये पार्क ले लिया, कहीं नहीं दे रखी, कल को 3 पार्क हो रहे हैं वहाँ पर भी ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। कम बोलो जी मुल्ला जी, वहाँ के लोग यहीं आप एजेंट हो, इधर आओ, अपना नाम बताओ, नाम क्या बाबा जी आपका? हाँ जी, क्यों बना रहे हो भैया, क्या हो गया? हाँ जी मजदूर तो बाबा जी, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 1 साल से ज्यादा हो गया। फिर ये कंपनी, ये हम चौकीदारी करे, माल भरे में। आप अलीगढ़ साइड के हो, कहाँ के हो? यूपी में, मुरादाबाद के। हमारा सिर्फ मिशन ये है, आपको ठेस पहुँचाना नहीं है ना आपसे बात वो है, हम तो सिर्फ ये कहने कि आप फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, 1 बजे से 2 बजे तक आपकी नमाज का टाइम होता है, हफ्ते में। अभी टाइम क्या हो गया वो बताएं आप, क्या हुआ टाइम बताओ भाई साहब, टाइम क्या हो गया? अब हमने कौन सी जगह घर रखी है? नहीं नहीं, टाइम 2:30 बज गए, अभी भी आप 1.5 घंटे आ रहे हो, इसका मतलब आप फैक्ट्री में काम करते और लोगों को उत्साह के यहाँ लाते हो, नमाज पढ़ाते हो, उसके बाद यहाँ नमाज पढ़ाने के बाद धीरे धीरे कब्जा करने की प्लानिंग है आपकी, तो आप मुझे परमिशन लेटर क्यों नहीं दिखाते? जो परमिशन लेटर है आपके पास, दिखाएंगे लेटर साहब, हम आपको नोएडा अथॉरिटी में चेयरमैन साहब के सामने दिखाएंगे। नहीं चेयरमैन के क्या, आप फोटोकॉपी तो देखते होगी, नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन जिसकी जमीन है, हाँ जी उनके सामने पार्क है, आपको यहाँ क्यों दिखाएंगे? नहीं नहीं आपके पास होगा तो सही, बिल्कुल होगा, अभी साथ में नहीं रहा है। किसने परमिशन दिया आप हमारे पास, हम लेटर मांगने आए? अरे हम देखना है, हमारा अधिकार है कि आप प्रशासन को साथ में लेके आइए, हम दिखाएंगे। नहीं प्रशासन के साथ, ये तो आपकी जो वीडियो बना रहा हूँ प्रशासन को भेजूंगा ना, आपको किस वजह से दिखाएंगे? ये पार्क है, पार्क धीरे धीरे आप इतने सारे एसपी हैं, कोई डीएसपी नहीं, एसपी डीएसपी क्या घेरता बताओ? आप किस लिए आपको दिखाएंगे? ये वहाँ तक इन्होंने चटाइयाँ बिछा रखी है, देख सकते पार्क में, पार्क में घूमने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया में सेक्टर 17 में घूमने के लिए लोग आते हैं। आपको कानून का अधिकार नहीं है, आप एसपी साहब को ले आइए, डीएसपी को ले आइए, डीआईजी को ले आइए, उनको दिखाएंगे। हाँ आपसे तो सारे खौफ खाते हैं, सारे खौफ खाते हैं तुम्हारे से। अभी सारा कहाँ जाएगा माल, ये जो आपने लपेट लिया चाय बिशनपुरा में रखा हुआ है, कहाँ आप जहाँ किराए पे रहते हो या आपने किराए पे ले रखा? हाँ, ले रखा है, ले रखा किराए पे। सिर्फ ये नमाज पढ़ाने के बाद ये कारपेट लपेट के आप वहाँ रखते हो, बिल्कुल रखते हो, ये जो आपने, आपको तो जगह यहाँ देना चाहिए, आपको अकल। हम क्यों देंगे जगह? आप इतनी जगह ले रखे हैं, बहुत है, नहीं चिड़ क्या है, ज्यादा चिड़े आपको, चिड़ क्या है भाई साहब? ये तो हम सवाब का काम कर रहे हैं, हम उठा के ला रहे हैं लोगों को यहाँ पर, सुरक्षित जगह पर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज सुरक्षित क्या है? आपके कोड़ा कॉलोनी में सुरक्षित नहीं है, कोड़ा कॉलोनी में मस्जिद जो बनी है वो सुरक्षित नहीं है, बोलो बताओ, आवाम क्या आप लोगों को दिखा रहे हैं? अरे भाई साहब आप अगर 10 लोग हैं तो घर पे ही तो रहते हो या बाहर भी रोड पे कोई सोता है? लोग नहीं है भाई साहब। नहीं नहीं आपके परिवार में अगर 10 लोग होंगे, नहीं ये बात मत करो, ये बात मत करो आप, अगर आपके नहीं नहीं आपके 35 नहीं नहीं 35 लोग हो तो घर पे ही सोते हो या रोड पे सोते हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। रोड पे सोने का, अगर हमारे पास जगह नहीं है पूरा सोने का तो हम रोड पे सोएंगे क्या करेंगे? रोड पे सोएंगे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं और आपको नमाज दिखाई दिया। सुनिए बदनसीब हो आप, नहीं नहीं सुनो तो, हाँ बदनसीब हो आप, मेरी बात सुनिए ना, आपको तो नमाजी लोग दिखाई दिया, बड़ा चिर हो गया। नहीं चिड़ के हो गया, मैं तो चिर आपके और भी चीज दिखाता हूं। आप ये धंधा क्या कर रहे हो? धंधा बिल्कुल नहीं, धंधा नहीं है, धंधा आप करते होंगे कभी जिंदगी में कभी, बताओ ना, चोर को चोर नजर आता है। सुनिए चोर कौन है? आप जो कह रहे हो ना हम धंधा कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आपको नमाजी लोग देख के बड़ा खराब लगा। नहीं खराब नहीं लगा, ये पार्क घूमने के लिए सबके लिए है, सुनो सबके लिए, सब घूम रहे हैं।